आप देख रहे हैं सहस्रदल कमल। जी हाँ, सहस्रदल कमल मतलब हजार पंखुड़ी वाला कमल। कहते हैं इसके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय पुष्प है ये। जैसे वन का राजा शेर होता है, वैसे पुष्पों का राजा ये कमल सहस्रदल कहलाता है। इसलिए श्री हरि विष्णु को कमल नयन कहा जाता है। कहते हैं जहाँ पर ये सहस्र कमल खिलता है वहां पर अक्षय लक्ष्मी का वास होता है, अष्ट लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए ये सहस्र कमल दल का प्लांट लगाकर हम भी थोड़ा पुण्य कमा ही लेते हैं। साथियों, लोटस कोई भी मिट्टी में लग जाता है, लेकिन अगर लोटस को गमले में लगाना है तो थोड़ा सा मिट्टी का ध्यान रखना पड़ता है। ये मिट्टी कैसी बनाई जाती है, ट्यूबर को गमले में कैसे रिपोर्टिंग करना है, ये आज के वीडियो का सब्जेक्ट है। बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के आखिरी तक। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पहले बात करते हैं हम मिट्टी के बारे में। मिट्टी में कोई भी खाद नहीं होनी चाहिए, मड़ी मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी को अच्छे से धूप में सुखाकर छलनी से छानकर यूज करेंगे मिट्टी को। मिट्टी को 24 घंटे के लिए भिगो दे ताकि वो मुलायम हो जाए और कंकड़ पत्थर निकाल ले। ये मिट्टी जब दही जैसे हो जाएगी ना, मड जैसे बिल्कुल, उसमें हम ये ट्यूब लगाएंगे और वो मिट्टी हम यूज करेंगे। ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी पत्थर कंकड़ नहीं होना चाहिए, एकदम मुलायम मिट्टी होनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने मिट्टी तैयार कर ली है, बिल्कुल मुलायम है और इसको छान के सूखा के मैंने बिल्कुल इसको तैयार कर ली है। और इसके लिए हम गमले की गहराई 1 फीट लेंगे और चौड़ाई इसकी 1.5 फीट लेंगे। गमले के बीच में डालेंगे हम गोबर की खाद। और ये गोबर की खाद जो है ना, 3-4 महीने पुरानी है मेरी तो, लेकिन गोबर की खाद जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होती है। कम से कम 1 साल पुरानी हो तो बहुत अच्छी होती है। और हम इसका 1 या 1.5 इंच का गोबर की खाद का नीचे गमले में लेयर बनाएंगे। और जब इस गोबर के खाद के ऊपर हम मिट्टी डालेंगे तो लेयरिंग बहुत अच्छा हो जाएगी। ये गोबर की खाद इसमें डाल रही हूँ। ये करीब 1 या 1.5 इंच का लेयर बन गया है। अब ये देखिए, ये वाली मिट्टी पूरी बन गई है, मड जैसे हो गई है। इसको मैं अभी ये गोबर के खाद के ऊपर डाल देती हूँ, 5-6 इंच का लेयर इसका बना देती हूँ। ये देखिए, मैंने अभी ये मिट्टी तैयार कर ली है। हम अलग मिट्टी तैयार करने का फायदा ये हुआ कि पत्थर कंकड़ अलग कर पाए हम लोग। गमले में 2/3 हिस्सा मैंने मिट्टी से भर लिया है, बाकी पानी से भर देंगे। अगर छोटा गमला है तो 70% मिट्टी डाले और 30% गमला पानी डालने के लिए खाली रखे तो अच्छा है। और हेल्दी ट्यूबर लगाने के लिए ये देखिए, ये मैंने सहस्रदल ट्यूबर मंगाया हुआ है अमेजोन से। ये हेल्दी ट्यूबर है बहुत। इसमें 3 नोड्स हैं। ये देखिए, ये 1 नोड्स है, ये दूसरा नोड्स है और ये तीसरा नोड्स है। और इसमें 3 नोड्स हैं और 3 टिप्स है। इसमें तो जितने नोड्स होंगे ना उतना अच्छा होता है। तो इसमें फंगीसाइड डाले या फिर नीम के पानी में इसको भिगो दे 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए, ये नीम ऑयल पानी मैंने तैयार कर लिया था। इसमें फंगीसाइड के जगह यूज करने के लिए मैं ये नीम ऑयल के पानी में इसको डुबा दिया है 2-3। अब इस ट्यूबर को गमले में रिपॉट हमें करना है। रिपॉट करने के लिए हम ये करेंगे कि इसमें थोड़ा सर्कल साइड में ऐसे हाथ से गहरा खड्डा बना दे। सर्कल साइड इसलिए करना है कि ये जो बढ़ता है ना, तो इसकी जो ये ट्यूब्स बढ़ते हैं ये सर्कल में ही बनते हैं, गोल 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 गमले के गोल में ही ये बनता है। तो इसलिए आप ऐसा इसको गोल 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 ऐसे रख दीजिए कि जड़े ऊपर नहीं दिखनी चाहिए, तो जड़े आप इसकी ढक दें। कर दिया है हाथ से खड्डा करके। ध्यान रखें कि ट्यूबर में गमले में एक साइड ही रखें, जैसे मैंने अभी रख दिया है।
और क्योंकि ट्यूबर क्या करता है कि ये अंदर ही अंदर ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, और अपनी एक इसका जो पत्ता आएगा, ये पत्ते को सिर्फ हम रखेंगे पानी के ऊपर रखेंगे पत्ते को। अभी मैं इसको हाथ से इसलिए पानी दे रही हूँ कि अगर डायरेक्ट अगर हम मग से या किसी चीज से पानी डालते हैं तो इसका गड्ढा हो जाएगा और इसकी जड़ें ऊपर आ जाएंगी, तो जड़ें ऊपर ना आए इसीलिए ये हाथ से हम पानी देंगे। टिप्स जहां तक दिखे वहां तक पानी भर दिया मैंने। इस टाइप के मिट्टी में लोटस अच्छा खिलता है। और इसको अभी मैं धूप में रख दूंगी। धूप में हर दिन में एक दिन में एक बार बदलना है, और इसके फूल अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, इसका ध्यान रखना है। इसलिए पानी की मात्रा इसमें अच्छी रहे कि फूल भी इसके अच्छे रहे। जब इसके जड़ों में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका पानी आप निकालते रहे। इसकी जड़ें दिखे ना ऐसा मतलब रखना चाहिए आपको, जड़ें नहीं दिखनी चाहिए इसकी, और ये पानी में ही रहनी चाहिए। अगर पीली पत्तियां आपको नजर आती है, सूखी पत्तियां नजर आती है, तो उसको आप हटा दें। और इसको अब पाले से बचाने के लिए या तो ग्रीन नेट लगा सकते हैं या फिर आप बालकनी में रख सकते हैं। मेरे पास तो बालकनी ही है तो मैं बालकनी में ही रखूंगी, लेकिन हो गई। और इसको अभी ये जब तक अच्छा सा बढ़ते नहीं है, बढ़ता नहीं है, इसकी अच्छी पत्ते नहीं आते हैं, तब तक इसको खाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब खाद नहीं देना चाहिए, जब पत्ते आ जाएंगे ना तब इसको खाद देना जरूरी है। और करीब 3-4 घंटे में इसको धूप मिलनी चाहिए। तो ये आपने अभी तक देखा कि सहस्र कमल दल ट्यूबर कैसे लगाया जाता है, इसको मिट्टी कैसी चाहिए। और अब इसका जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। साथियों, आपको कैसे लगी लोटस के बारे में यह जानकारी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें जीवन सारस चैनल को, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस।